आज बहु मजा आवी। ऐसे हम लोगों को कभी कभार जाते रहना चाहिए। केम कोकिलो जी बा। सच बा, पूरे परिवार के साथ पिक्चर देखना, सबके साथ बैठकर बाहर खाना, कितना अच्छा लगता है ना? वाकई इतने दिनों बाद हम लोग सब मिलकर पिक्चर देखे, आनंद आ गया। क्यों जिगर? जी पापा। अहम दिख रहा, तुम्हें और गोपी को तो पिक्चर देखने में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि तुम लोग तो कोने में अलग से बैठे थे। बाप, फिल्म देखना भी हो गया, बहुत सारी बातें भी हो गई, हमें कल की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। कल उत्तरायण है, मकर संक्रांति है, और ढेर सारे काम भी करने हैं। अरे भाई, तब तो मुझे कुछ जरूरी फोन भी कर लेना चाहिए आज। और अहम जिगर, तुम लोगों के साथ मुझे कुछ बात करनी है पारिक प्रोजेक्ट के बारे में। चले? चलिए काका। बा, मैं कल के लिए पतंगों का इंतजाम देखता हूँ, कल पतंगबाजी भी तो करनी है। ठीक है ठीक है। कोकिला जी, मोटा भाभी, मैं सोच रही थी संक्रांति के लिए तिल के लड्डू हम कल ही बनाएंगे। मोटा भाभी, कल ढेर सारे काम होंगे, अच्छा होगा कि हम आज ही बना लें। आज ही बना लेते। सारू, गोपी वाओ, राशि, हाथ पैर धोकर जल्दी से आ जाओ और मेरे और मोटा भाभी के साथ काम में लग जाओ, समझ गया? संभल कर, गरम है। लाइए माँ जी, मैं करती हूँ। मैं आटा गूंध लेती हूँ। अरे, आटा नहीं है। मीठी? मीठी को तो मैंने छत पे कपड़े लेने भेजा है। अब कोकिला जी, वो तो मैं भंडार घर से आटा निकाल कर ले आती हूँ, खत्म हो। गोपी वाओ, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सच सच बताओगी? जी माँ जी। क्या ऐसी कोई बात है जो तुम जानती हो और मैं नहीं? और क्या वो बात तुम मुझे बताना चाहोगी? माँ जी। तो बोलो, कौन सी बात है जो तुम जानती हो और तुम मुझे बताना चाहती हो? माँ जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर गोपी, गोपी राशि, आशुष है, क्यों चिल्ला रही हो? ये घर है, क्या बात है? नहीं वो काकी जी, मैं गोपी से चार्जर मांगने आई थी। गोपी प्लीज, क्या तू मुझे अपना फोन का चार्जर दे देगी? क्या है ना, मुझे मेरा चार्जर मिल ही नहीं रहा है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। ओह, इतनी छोटी बात के लिए तुमने पूरा घर चिल्ला चिल्ला कर सर पर उठा लिया? इसका तो यही मतलब हुआ कि जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ तब तुम मेरी गोपी हो से इसी तरह बात करती हो चिल्लाकर? नहीं काकी जी, वो मुझे पता नहीं था ना कि गोपी यहाँ है, मैं बस उसे ढूंढ रही थी इसीलिए। अरे वाह, आज तो रसोड़े में सारा घर इकट्ठा हो गया है।
जी मोटा भाभी, पूरा घर यहाँ रसोड़े में है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ चिल्लाने के लिए यहाँ आए। माँ जी, मैं राशि बहन को चाचा देके आओ। थैंक यू सो मच गोपी, चल मैं चलती हूँ। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ा देख के चला करो। सॉरी एमजी। गोपी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे लगता है हमें माजी को राशि बहन और देवर्षि के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन क्यों? मैं जब रसोड़े में काम कर रही थी तो माँ जी ने कहा कि अगर कोई बात है तो हमें उन्हें बता देना चाहिए। साथ